हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आहारशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इसके सारे पीस बना लिए हैं, बैक पीस भी, फ्रंट पीस भी और स्लीव्स भी। अब हम इसके मोड़े की ज्वाइनिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों पीस बनकर तैयार हैं। ये हमारा बैक पीस है और ये दोनों हमारे फ्रंट पीस है। फ्रंट पीस मैंने एक ही सिलाई में इसके फंदे डाल लिए हैं दोनों पीस के। अब ये मेरा सीधी साइड से है और ये भी सीधी साइड से है, इधर से हमारा उल्टा है। तो इन दोनों को हम आपस में सीधी साइड से ज्वाइन करेंगे। सीधी साइड से पकड़ा, उल्टा साइड इधर है और उल्टा साइड इधर है। अब हम इसमें अपने फंदों की ज्वाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे वाली सिलाई में से एक फंदा लेंगे, उसके बाद पीछे वाली सिलाई में से एक फंदा लेंगे और दो फंदों का यहाँ पर हम एक कर देंगे। फिर दोबारा से ऐसे ही दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे और पहला फंदा हम दूसरे फंदे में से उतार देंगे। दूसरा फंदा भी हम ऐसे ही दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक किया और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार लिया। फिर दोबारा से हम दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक किया, पहला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम अपना इधर का मोटा भी ज्वाइन कर लेंगे और हम अपना इधर का मोटा भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोटा हमने अपना ज्वाइन कर दिया है और उस सिलाई के फंदे मैंने इस सिलाई में सारे ऐसे ही उतार लिए हैं। इस वाली सिलाई के भी हमने फंदे पलट लिए हैं। तो अब हम अपना इधर की साइड का मोटा ज्वाइन करेंगे। ये वाला देखिए, तो इधर वाला मोटा भी हम वैसे ही ज्वाइन करेंगे। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। फिर दोबारा से दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक किया और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। फिर दोबारा से हम दो फंदे लेंगे, दो फंदों का एक किया और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। इसी तरीके से हम अपना ये मोटा भी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों तरफ के मोड़े ज्वाइन कर दिए हैं, इधर का भी और इधर का भी। अब हमारे ये पीस बनकर तैयार हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों पीस आपस में ज्वाइन कर लिए हैं, फ्रंट पीस और बैक पीस। तीनों पीस हमारे मोड़े के ये ज्वाइन कर लिए हमने। अब हम इसमें अपना गला बनाएंगे। तो गले के लिए हम देखिए, फ्रंट साइड का जो हमारा राइट साइड का पार्ट है ये वाला, तो यहाँ से हम इसके गले के फंदे उठाएंगे। जो फंदे हमने यहाँ से 10 फंदे घटाए थे, इसमें से हम 8 फंदे छोड़ देंगे। 5 फंदे तो हमारे पट्टी के हैं, इससे आगे 3 फंदे और छोड़ेंगे। 5, 6, 7 और 1 ही 8, यहाँ 9वें फंदे से हम अपना फंदा उठाएंगे। देखिए, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 9वां फंदा है। तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। पहले 5 फंदे हमारे पट्टी के थे, उसके बाद 6, 7, 8 और 1 ये 9, 9वें फंदे में से हम फंदा अपना उठा लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, एक फंदा हम अपना यहाँ से बनाएंगे। ये हमने फंदा बनाया। तो अब इससे आगे हम अपने हर एक फंदे में से फंदा उठाते हुए जाएंगे। इसमें से फंदा उठाया, ये हमारा 10वां फंदा है। अब हम अपने 10वें फंदे में से उठा लेंगे इस तरीके से। अब इससे आगे वाले में से उठाएंगे। फिर हम देखिए, यहाँ पर इससे आगे वाले में से उठा लेंगे। ऐसे ही हम अपने ये गले के फंदे उठाएंगे। तो इसी तरीके से हम हर एक चेन में से फंदा उठाते हुए, ये देखिए, अब इसमें से उठाया तो अब इससे आगे वाले में से ये हमने फंदा उठाया। अब हम ऐसे ही फंदे उठाते हुए यहाँ तक के अपने फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रंट साइड से 22 फंदे ये उठा लिए हैं। तो अब जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं, अब हम अपने बैक साइड के फंदों को इस सिलाई में बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पहले हम अपने इन धागों को पक्का करेंगे। देखिए, ये धागा है हमारा, यहाँ पर दोनों धागे हैं। तो पहले हम अपने इन धागों को पक्का कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे ये दोनों धागे हैं, दोनों धागों को आपस में पकड़ते हुए ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे धागे पक्के हो गए हैं। अब हम इन धागों को यहाँ से काट देंगे। तो अब हम जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं, सारे फंदों को हम अपने इस सिलाई में बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32 फंदे हमारे बैक साइड में हैं। 32 फंदे, तो हम इन 32 फंदों को अपने इस सिलाई में बना लेंगे सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए इस तरीके से, सारे फंदों को हम अपने इस सिलाई में बना लेते हैं। अपने फंदे हमने इस सिलाई में बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा धागा है, तो इस धागे को भी हम अपने जिस धागे से हम बुनते आ रहे हैं इस धागे के साथ यहाँ पर पक्का कर देंगे इस धागे को भी। देखिए हमने पक्का किया। अब हम जो एक्स्ट्रा धागा है इसे काट देंगे और इसके बाद अब हम आगे यहाँ इधर की साइड के भी फंदे उठाएंगे। जैसे हमने फ्रंट साइड से इधर से फंदे उठाए हैं, ऐसे ही दूसरी साइड के फ्रंट साइड के भी हम फंदे उठाएंगे। 22 फंदे हम उठाएंगे, इधर से 8 फंदे हम छोड़ देंगे, 5 फंदे हमारे पट्टी के और 3 फंदे इसमें से छोड़कर इधर की साइड से भी यहाँ तक के हम अपने 22 फंदे उठा लेते हैं। तो इधर से भी उसी तरीके से उठाएंगे। ये देखिए पहले हम एक फंदा यहाँ से उठाया, अब एक फंदा इससे आगे उठाएंगे, फिर उससे आगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने यहाँ पर इस लेफ्ट साइड की साइड से 22 फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इधर से भी हमने अपने ये 22 फंदे उठा लिए हैं। तो अब यहीं से हम सिलाई को वापसी करेंगे। इधर से 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 5 फंदे पट्टी के और 3 फंदे इधर से। अब यहीं से हम सिलाई को मोड़ते हुए पहले अपनी एक सिलाई है बॉर्डर की बनाएंगे। पहला फंदा हम अपना ये उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो ये सिलाई हम निकाल लेते हैं। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी निकाल ली है। लास्ट में मेरा यहाँ पर सीधा फंदा आया है। तो अब हम इसमें अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। कलर हम इधर उल्टी साइड से ही ज्वाइन कर लेंगे अपना इस धागे के साथ। देखिए हमने ये कलर ज्वाइन किया यहाँ पर वाइट कलर वाला, और इस धागे को हम ऊपर खींच देंगे ऐसे। अब हम इधर से सीधी साइड से, देखिए धागा हमारा उल्टी साइड पीछे है, तो अब हम इधर साइड से सीधी साइड से जो हमारा इधर से ये हमारे 8 फंदे हैं, जो हमारा ये 8वां फंदा है यहाँ से हम ऐसे सिलाई को डालेंगे और एक फंदा यहाँ से हम अपना वाइट कलर का बना लेंगे। देखिए तो यहाँ से हम इस तरह से लपेटेंगे और एक फंदा अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो हमारा एक फंदा बन गया है। अब हम इस फंदे को इसी सिलाई में रखेंगे और इससे आगे वाले फंदे हम अपने बॉर्डर के अनुसार बनाएंगे। नहीं, ये सिलाई हमारी पूरी सीधी निकलेगी जैसे हमारा बॉर्डर है। तो हमने दूसरा कलर ये ज्वाइन किया है, तो ये सिलाई हम अपनी पूरी वाइट कलर से सीधी सीधी बना देंगे। तो इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही यहीं पर रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते हुए अपनी कंप्लीट करेंगे ये। तो हम अपनी ये सिलाई पूरी सीधी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई हमने अपनी पूरी निकाल ली है। अब हम जैसे हमने एक फंदा अपना इधर उल्टी सिलाई से इधर से लिया था, अब हम एक फंदा अपना इधर से लेंगे। तो देखिए हमारे ये 8 फंदे हैं, 5 पट्टी के, 3 आगे, 5 तो हमारे पट्टी के ये उल्टे उल्टे यहाँ तक है। अब 1, 2, 3 तीसरा फंदा हमारा ये है। तो यहाँ से हम सिलाई को डालते हुए एक फंदा अपना इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इसकी दूसरी सिलाई निकाल लेंगे। तो अब हम इसकी उल्टी साइड से अपने बॉर्डर वाली सिलाई बुनेंगे। जब हमने यहाँ से नीचे से बॉर्डर स्टार्ट किया था तो हमारा पहला फंदा हमने उल्टा बुना था। अब हमने एक फंदा ये उठा लिया है, तो इस फंदे को हम इधर से उल्टी साइड से सीधा बना देंगे। इस वाले फंदे को धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी निकाल लेते हैं, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई हमने अपनी पूरी बना ली है। लास्ट में मेरा उल्टा फंदा आया है। तो
तो यहीं से हम सिलाई को वापसी मोड़ते हुए एक फंदा जैसे हमने पहले उठाया था, अब फिर हम यहाँ पर एक फंदा अपना उसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हम देखिए ये हमने पांच फंदे, छठा, सातवां, सातवें फंदे में से एक फंदा ऐसे सिलाई को अंदर डालेंगे और एक फंदा हम अपना इस तरीके से बना लेंगे। इस फंदे को सीधा करेंगे। अब इस फंदे को हम अपना इसी सिलाई में रखेंगे। आगे वाला फंदा देखिए मेरा सीधा है, तो इसे मैं सीधा बुन दूँगी, धागा आगे करूँगी, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। वाइट कलर से ही हम अपनी ये दो सिलाई और निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई भी हम अपनी बना लेते हैं, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने अपनी पूरी बना ली है। अब यहाँ पर लास्ट में मेरा देखिए उल्टा फंदा आया है, ये सीधा, ये उल्टा। अब हम धागा पीछे करेंगे और अपना इधर की साइड से भी सातवें फंदे में से एक फंदा बनाएंगे। देखिए ऐसे सिलाई हमने पीछे डाली और एक फंदा हमने यहाँ पर अपना बना लिया है। इस फंदे को हम सिलाई में ही रखेंगे। अब उल्टी साइड से हम अपना देखिए ये फंदा बॉर्डर के अनुसार बुनेंगे। तो इधर से हमारा ये उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है, तो इसको हम इधर से उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा अपना ये सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी ये सिलाई भी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने अपनी निकाल ली है। अब हम उसकी सीधी तरफ हैं और वाइट कलर से हमारी अभी ये चार सिलाइयाँ निकल चुकी हैं, एक, दो, तीन और एक ये चार। अब हम इसमें अपनी दो सिलाइयाँ ब्लू कलर से बनाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ से अपना एक फंदा उठाएंगे, वाइट धागे को ऐसे हम पीछे कर देंगे और जो हमारा ब्लू कलर का धागा है इसे हम ऐसे लेंगे। तो देखिए इधर से अब हमारा ये जो हमारा ये छठा फंदा है, छठे फंदे में से एक फंदा हम इस तरीके से ब्लू कलर से अपना बना लेंगे। ये हमने फंदा बनाया। अब हम इससे आगे जैसे भी हमारा बॉर्डर है इसको हम बुनेंगे। पहले हम अपनी एक सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे, इस धागे को यहीं पर छोड़ देंगे ऐसे ही, इस फंदे को, और पूरी सिलाई ब्लू कलर से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से तो ये सिलाई हम अपनी सीधी सीधी बनाते हुए निकाल लेते हैं। ये सिलाई हमने अपनी पूरी सीधी बना ली है। अब देखिए इधर से भी हम अपने सीधा फंदा जो हमारे एक रह गया लास्ट का, पांच फंदे पट्टी के छोड़कर एक फंदा बचा है, इसमें से भी हम अपना एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए एक फंदा हमने अपना यहाँ से भी उठा लिया है। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। तो उल्टी साइड में देखिए सीधा फंदा जो हमने लास्ट का बुना था यहाँ पर, ये देखिए सीधा बुना था ये फंदा, एक सीधा उल्टा सीधा। अब ये फंदा हमारा यहाँ से सीधी साइड से उल्टा है, तो अब हम इसको उल्टी साइड से सीधा बना देंगे, बॉर्डर बनाएंगे। अब हम अपना एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी बना लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी बना ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से अब फिर दोबारा से हम अपना एक फंदा जो हमारे ये पांच फंदे पट्टी के थे, जो इसका लास्ट का फंदा, यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच, पांचवें फंदे में से ऐसे सिलाई को डालते हुए वाइट कलर से अब हम अपना बनाएंगे। तो एक फंदा वाइट कलर से हम ऐसे अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा कर लेंगे। अब इससे आगे वाली पूरी सिलाई हम अपनी सीधी बनाते हुए निकाल लेंगे वाइट कलर से। देखिए इस फंदे को ऐसे ही छोड़ देंगे और पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे। अगर बॉर्डर बनाएंगे तो डिजाइन हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए एक सिलाई हम पूरी सीधी सीधी निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी सीधी बना ली है। अब हम एक फंदा अपना इधर से भी लेंगे, जो हमारे पांच फंदे पट्टी के हैं, इसमें से जो हमारा यहाँ से ये एक फंदा है, तो देखिए यहाँ से ऐसी सिलाई को डालेंगे और एक फंदा वाइट कलर से हम अपना बना लेंगे इस तरीके से। तो इधर से देखिए अब जो हमारा ये सेकंड फंदा है, जो फंदा उठाया इससे सेकंड, इधर से हमारा ये उल्टा बना हुआ है, तो ये फंदा इधर से हमारा सीधा बना। तो अब हम इसको उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे,
ये फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। हमें बॉर्डर का ध्यान रखना है इसमें, अगर हमारा एक भी फंदा गलत हो गया तो हमारा सारा बॉर्डर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें पहले फंदे का इसमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी बना ली है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से अब हम अपना जो हमारा चौथा फंदा है पट्टी का, उसमें से एक फंदा लेंगे, ये वाला फंदा है हमारा, देखिए यहाँ से हम अपना फंदा एक उसी तरीके से सिलाई पर इस तरीके से लपेटते हुए देखिए, तो इस फंदे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये फंदे को हम अपनी तरफ लेकर आए और इस फंदे को हम सीधा कर लेंगे निकाल कर सिलाई में से, और इससे आगे का बॉर्डर हम अपना बनाएंगे जैसे हमारा बॉर्डर है। तो पहला फंदा हमारा ये उल्टा है और इससे आगे वाला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी पूरी निकाल लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने अपनी निकाल ली है। अब हम इधर से भी अपना एक फंदा उठाएंगे, पांचवें फंदे में से हमने उठा लिया था, चौथे फंदे में से अब देखिए यहाँ से एक फंदा हम अपना उसी तरीके से बना लेंगे। ये हमने फंदा उठाया, इस फंदे को इसी सिलाई में रखेंगे। अब इधर से हम सिलाई को मोड़ते हुए अपनी सिलाई निकाल लेंगे। देखिए ये फंदा मेरा सीधा बना है तो ये फंदा मेरा उल्टा बना सीधी साइड से, अब हम इसको उल्टी साइड से सीधा बना देंगे देखिए इस तरीके से, और आगे धागा करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने निकाल दिया है, अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से देखिए, अब हमारे इधर से ये तीन फंदे रह गए हैं, दो फंदों में से हमने फंदा उठा लिया, एक दो और एक ये तीन। अब जो हमारा ये तीसरा फंदा है, तीसरे फंदे में से एक फंदा और यहाँ पर हम अपना बनाएंगे, ये हमने डाला। तो अब हम अपना ये ब्लू कलर से बनाएंगे, वाइट कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ब्लू कलर से देखिए एक फंदा अपनी तरफ बना लेंगे, देखिए इस तरीके से फंदा बनाया, फंदे को निकाल कर सीधा कर लेंगे। अब इससे आगे वाली सिलाई हम सारी अपनी ब्लू कलर से सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं सीधी सीधी बनाते हुए, ये देखिए सिलाई निकाल लेते हैं। ये सिलाई हमने अपनी पूरी सीधी बुनते हुए निकाल ली है। अब हम इधर से भी अपने तीसरे फंदे में से एक फंदा उठा लेंगे। तो देखिए, ये हमने तीन फंदे हैं हमारे इधर, तो जो तो हमारा ये तीसरा फंदा है, तीसरे फंदे के अंदर से एक फंदा हम अपना बनाएंगे। हमने ये फंदा ऐसे बना लिया अपना, तो अब देखिए यहाँ से हमारा ये फंदा सीधा है, ये उल्टा, तो इधर से ये फंदा सीधा हुआ, अब उल्टी साइड से ये फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा। तो हम अपने इस फंदे को उल्टा बना लेते हैं इस तरीके से, और इससे आगे वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फंदा सीधा। तो ये सिलाई भी हम अपने इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने अपनी बना ली है, और हमने अपना ये वाइट धागा काट दिया है, इसकी हमें आगे अब जरूरत नहीं है। जो हमारा ये वाला धागा है देखिए, इससे हम अपने इस धागे को पक्का कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, हमने अपना धागा पक्का कर दिया है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। और देखिए, जो हमारा ये बिल्कुल लास्ट वाला फंदा है, यहाँ से हम एक फंदा अपना बनाएंगे, ये देखिए एक फंदा हम अपना ब्लू कलर से बना लेंगे इधर से, ये हमने एक फंदा बुना अपना। अब इस फंदे को हम अपने सिलाई में डाल लेंगे, देखिए ये हमने इस सिलाई में फंदा डाला, ये हमने लास्ट का फंदा उठाया है। अब हम इस फंदे को अपने इस सिलाई में, ये हमारा धागा है, तो यहाँ से अब हम दो फंदे, एक और एक दो, दो फंदे लेंगे और पीछे की साइड से दो फंदे हम
बंद कर देंगे यहाँ पर। तो अब हमारा ये बॉर्डर बन चुका है, सारे फंदे हम अपने बंद करेंगे। इसी तरीके से दो फंदे हमने अपने बंद किए, एक फंदा हमारा घट गया, एक बन गया, एक फंदा और बुनेंगे, इसे भी हम इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर हम एक फंदा और बुनेंगे, पहला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसे भी ऐसे ही उतार देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सारे फंदे हम अपने बंद कर लेंगे। ये देखिए एक एक फंदा बुनते हुए और पहला फंदा उसके ऊपर से उतारते हुए ये सारे फंदे हम अपने बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे हमने अपने गले के बंद कर दिए हैं। अब लास्ट में मेरा एक फंदा है, तो इधर से भी हम जो हमारा इधर का ये लास्ट का फंदा है, यहाँ से हम एक फंदा जैसे हमने उधर से उठाया था, यहाँ से भी हम एक फंदा इस तरीके से उठाएंगे। और उठाने के बाद यहाँ पर इन दो फंदों को भी हम बंद करेंगे। तो जो हमारा पहला फंदा है जो सिलाई में था, इस फंदे को हम इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए अब हमारा एक फंदा बचा है, तो इसे भी हम धागा कट करके, ये हम अपना धागा कट करेंगे और इस फंदे के अंदर से इस धागे को निकाल कर इसे भी हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये गला बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गला बनकर तैयार है। अब जो हमारा ये धागा है, इस धागे को हम अंदर की साइड पक्का करेंगे यहाँ पर। तो हम धागे को सुई में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सुई में धागा डाल लिया है, तो हम इसे अपनी उल्टी साइड में धागे को पक्का करेंगे। ऐसे हम यहाँ से इसको एक बार निकाल लेंगे, तो एक बार और आगे से निकाल लेंगे और यहाँ पर हम एक बार नोट लगा देंगे। इसी प्रकार हम ये हमने नीचे निकाला पट्टी की साइड में और यहाँ पर अब हम इसको पक्का कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसे अब हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो हमारा धागा भी ये पक्का हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स गला बनकर तैयार है, इसकी स्लीव्स भी बन चुकी हैं, तो स्वेटर बन चुका है हमारा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए फ्रेंड्स देखिए हम इसको इस तरीके से सीधा पार्ट अपना नीचे की साइड करेंगे और उल्टा पार्ट हम ऊपर करेंगे। बाजू लेंगे हम, तो देखिए बाजू भी लेंगे, बाजू को हम ऐसे ये उल्टी साइड का पार्ट हम बीच में मोड़ लेंगे। तो जो जहाँ से हमने कटाई किया यहाँ से मिलाते हुए इस बाजू के हम बीच वाला पार्ट लेंगे। बीच वाले पार्ट को जो हमने मोड़े जोड़े हैं, मोड़े पर ऐसे रखकर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से लेते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे और इधर की साइड की भी हम सिलाई कर देंगे। तो दोनों तरफ की बाजू हम अपनी ये लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने बाजू यहाँ से ज्वाइन कर दिया दोनों साइड में। अब हम इसकी नीचे वाली साइड की सिलाई करेंगे। तो हम अपने फ्रंट पीस को इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हम यहाँ बाजू से सिलाई स्टार्ट करते हुए वाइट धागे से सी लेंगे, फिर इधर से हम अपने ब्लू धागे से सी लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी इधर की सिलाई भी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने स्वेटर की सिलाई पूरी कर ली है, बाजू भी और साइड की भी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम इस पर अपने बटन लगाएंगे, एक दो तीन और चार, चार बटन हम इस पर अपने लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने बटन लगा लिए हैं और हमारा स्वेटर बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।